हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड से सामने आप देख रहे हैं मेरा एडेनियम का प्लांट है। ये मेरा 3 साल पुराना प्लांट है। इसमें खूब भर भर के गर्मी के दिनों में अप्रैल मई में फ्लावरिंग हुई, लेकिन इधर जब से बारिश हुई इसमें देख रहे हैं पत्तियां ही पत्तियां भर गई हैं और फ्लावरिंग नहीं हो रही है। हालांकि बरसात में जब बरसात का पानी बरसता है तो इनको नाइट्रोजन हर चीज़ बहुत बढ़िया मात्रा में मिलती है, लेकिन बरसात के पानी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन ये इन्हीं पत्तियों से भर जाते हैं नाइट्रोजन की वजह से, नाइट्रोजन की अधिकता से, तो इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो इसको फ्लावरिंग में लाने के लिए मुझे अभी इसमें फ्लावरिंग आएगी तो ये नवंबर से डोरमेंट पीरियड में जाएगा, तो अभी इसके पास 2 महीना समय है एक बार और फूल खिलाने का। तो इसके लिए मैं आज इसमें क्या करूँगी, सबसे पहले तो मैं इनकी ये जो घनी पत्तियाँ हैं इनको मैं हटाऊँगी। जो पत्तियाँ हैं इनको कैंची की मदद से ऐसे सब काट दीजिए, इस तरह से काट देंगे, सारी पत्तियों को रिमूव कर देंगे। देखिए फ्रेंड, इसमें कुछ कुछ पत्तियां 7-8 पत्तियां छोड़ के और बाकी मैंने रिमूव कर दिया, क्योंकि ये सारी पत्तियां ही न्यूट्रिएंट को सक कर ले रही थी तो हमारे प्लांट को फ्लावरिंग करने की ताकत ही नहीं मिल रही थी। तो इसलिए इनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे प्लांट भी कितना अच्छा लग रहा है, एक अच्छे शेप में आ जाता है। फ्रेंड अभी इनको जितनी बारिश जुलाई अगस्त में होती है उतनी बारिश जो है अब सितंबर में नहीं होगी। सितंबर में थोड़ा बारिश की रफ्तार धीमी हो जाती है, और 1-2 दिन अगर पानी बरसता भी है तो तीसरे दिन इतनी तेज धूप होती है कि बर्दाश्त नहीं होती, गार्डन पे आ नहीं सको, मई जून से भी ज़्यादा तेज। तो इसको फूल खिलने के लिए, फ्लावरिंग के लिए धूप की ही ज़रूरत है। इसमें मैं ये कुछ ज़रूरी काम अगर कर लूँगी तो मेरे इसमें अभी 15 दिन में ही फ्लावरिंग होने लगेगी। तो फ्रेंड पहला स्टेप तो ये था कि मैं जो है इसकी पत्तियों को मैंने रिमूव कर दिया। अब दूसरा स्टेप ये है, आज मेरे यहाँ परसों बारिश हुई थी लेकिन देखे मेरे इसकी मिट्टी इतनी पोरस है कि इसमें ये देखिए बिल्कुल मिट्टी सूख गई है, इस तरह से इतनी भुरभुरी मिट्टी मैंने बनाई है। इसकी एडेनियम की मिट्टी जब बनाएं तो बालू की मात्रा बहुत ज़्यादा, सैंड की काफ़ी वो करें तो इसमें जो है पानी रुकता नहीं है, मिट्टी बहुत पोरस रहती है और जल्दी सूख भी जाती है। इसकी मिट्टी बनाते समय ही बहुत सावधानी करनी पड़ती है। अब इसके बाद मैं इसमें फर्टिलाइजर जो डालूंगी मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए मेरे इसका कोडेक्स कितना मजबूत और कितना बढ़िया है, और ये जबकि मेरा ये प्लांट ये देखिए प्लास्टिक के सेलो पॉट में लगा हुआ है और हमेशा बाहर ही रहता, मुझे अंदर कहीं शेड में रखने की ज़रूरत नहीं, अरे जगह नहीं है, चाहे बरसात हो चाहे ठंडक हो चाहे गर्मी हो, लेकिन इतना इसमें पानी ही नहीं भरता है। इसको मैंने इस तरह से टेढ़ा कर दिया था जिससे कि जब हफ्ते भर की बारिश होती है ज़्यादा तेज जूझर जुलाई अगस्त में, इसी वजह से देखिए मेरा ये जहाँ मैंने लुढ़काया था ये मेरा टूट भी गया है, तो इसमें पानी नहीं रुकता है। इसी तरह से मेरे ये प्लांट देखिए हैं छोटे छोटे, इनको 1 साल हो गया है, मैंने सीड से ग्रो किया था, तो आज इनमें में भी मैं फर्टिलाइज़र डालूंगी कि हो सकता है फर्टिलाइज़र डालने से इनमें जो है फ्लावरिंग होने लगे। तो हमें इसमें ज़रूरत है कैल्शियम की, पोटास की, फास्फोरस की और नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन बारिश के पानी से मिलता तो है लेकिन उसके साथ साथ जो हम न्यूट्रिएंट्स डालते हैं वो बह भी जाता है, तो इसलिए मुझे सबका मिश्रण मिलाना है इसमें। अब इन पत्तियों को हम हटा देते हैं। देखिए फ्रेंड ये न्यूट्रिएंट्स मैं लाई हूँ, ये है चाय की पत्ती यूज्ड टी लीव्स जिसे मैंने खूब बढ़िया धुल के और देखिए सुखा लिया है खूब अच्छे से, ये भुरभुरी हो गई है बिल्कुल। इससे मेरे प्लांट को नाइट्रोजन मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा और इसमें
बहुत सारे और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। और ये है नीम की खली, नीम की खली में भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम। और ये मिट्टी में कीड़े मकोड़े नहीं, जो मिट्टी में कुछ कीड़े हो जाते हैं उनसे बचाएगा, फंगस से बचाएगा, काई से बचाएगा। और ये मैंने पोटाश, ऑर्गेनिक पोटाश ले लिया है 1 चम्मच, और 2 चम्मच नीम की खली, 2 चम्मच चाय की पत्ती। तो इसमें मुझे इसकी जो ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट, वो सब पूरी हो जाएगी। तो इसके किनारे किनारे की मिट्टी को हम इस तरह से थोड़ा भुरभुरा कर लेंगे। जगह तो है नहीं, बस किनारे किनारे ही डालना है। मिट्टी ही इतनी भुरभुरी है, इस तरह से जगह बना लेंगे। देखिए, मिट्टी को ये ऊपर की तरफ चढ़ा देंगे। और ये जो मैं न्यूट्रिशन लाई हूँ, इसको हम इस तरह से मिक्स करके और इसमें डालेंगे। ऐसे किनारे किनारे डाल देंगे, फिर जो मिट्टी मैंने ऊपर चढ़ाई थी उसी से इसको ढक देंगे। चारों तरफ हम इस फर्टिलाइजर को ऐसे किनारे किनारे डाल के और फिर मिट्टी में इस तरह से मिक्स कर देंगे पूरा। देखिए, मैंने मिक्स करके और ढक दिया है। और फ्रेंड्स, सबसे मेन चीज़, इसको कैल्शियम की ज़रूरत भी होती है। ये मेरे कोडेक्स को मजबूत, जैसे हम लोगों की हड्डियाँ कैल्शियम और विटामिन डी से मजबूत होती हैं, तो विटामिन डी तो इनको मिल जाता है धूप से। विटामिन डी की कोई ना गुल कोई वो नहीं है, विटामिन डी केवल धूप में ही मिलता है, सूर्य की किरणों से। तो ये दिन भर धूप में रहता है, विटामिन डी तो मिल जाता है, लेकिन कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो उसके लिए मैं लाई हूँ, ये 1 रुपये की चीज़ है, ये देखिए चूना। ये चूना किसी भी, जहाँ लोग पान वान बेचते हैं या किसी भी ऐसी ग्रोसरी शॉप में भी कभी कभी लोग तंबाकू वगैरह रखते हैं तो उसके साथ, तो ये 1 रुपये का मिल जाता है। ये देखिए, ये एक मैंने पूरा वो घोल के, इसमें 1/2 चम्मच के बराबर रहता होगा चूना, तो इसको घोल के मैं इसमें डाल दूँगी। तो इसको कैल्शियम भी मिल जाएगा फ्रेंड, हमारे प्लांट को कैल्शियम की बहुत आवश्यकता होती है, और ख़ास कर एडेनियम के लिए, क्योंकि उनका कोडेक्स ही उनकी ब्यूटी होती है। कोडेक्स को मोटा मजबूत बनाने में कैल्शियम का बहुत बड़ा योगदान होता है। जो लोग बोन मील यूज़ करते हैं तो उनकी तो उससे पूर्ति हो जाती है, लेकिन हम लोग नहीं यूज करते तो हम लोगों को इसकी बहुत ज़रूरत है फ्रेंड। इतना काम करने के बाद यथास्थान हम अपने इस प्लांट को रख देंगे, फिर मैं इसका रिजल्ट आपसे शेयर करूंगी। 15 दिन बाद मेरा ये एडेनियम का प्लांट फूलों से भर जाएगा, और यही प्रक्रिया मैं अपने इन छोटे छोटे प्लांट में भी करूंगी। ये लगभग 1 साल के हो गए हैं, ये सीड से ग्रो किया था मैंने खुद। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर फ्रेंड।